बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले को मिलेगा जीएस न्यूज की तरफ से एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ इंटरव्यू, खास मुलाकात। भागलपुर में एक ट्रक विदेशी शराब के साथ सात शराब माफिया को पुलिस ने दबोचा। भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर से एक ट्रक विदेशी शराब के साथ सात तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सक्रिय शराब कारोबारी को देखते हुए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काफी भारी मात्रा में मकई के बोरी से ढक कर एक ट्रक विदेशी शराब भागलपुर पहुंच रही है। इसी क्रम में एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक ट्रक विदेशी शराब के साथ सात तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर में से भागलपुर के सत्यम शिवम सुंदरम, सुपौल के नित्यानंद शर्मा, शशि आनंदराज, मोहन कुमार, गगन कुमार, मधेपुरा के विवेक कुमार, अमित कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में विगत कुछ दिनों में लगातार महाअभियान भी चलाया गया था। कल भी जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक लगभग 576 लीटर शराब की रिकवरी की गई थी। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कल रात्रि में कुछ शराब बड़े पैमाने पे एक ट्रक के माध्यम से शराब को भागलपुर में लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी सिटी तथा एएसपी प्रोबेशनर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो एक ट्रक जो 12 चक्कर का ट्रक है उसको बरामद किया गया, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब जिस पर लोडेड था और शराब को छुपाने के लिए उसमें मक्के के बोरे से उसको छुपाया गया था। साथ ही साथ जो इस शराब को व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो इस शराब को मंगवाए थे और इसका व्यवसाय कर रहे थे, उन सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से भागलपुर का एक कुख्यात शराब माफिया सत्यम शिवम सुंदरम, जो पूर्व में भी अन्य मामले में भी शराब के मामले में शामिल रहा था, तथा सुपौल के चार व्यक्ति तथा मधेपुरा के दो व्यक्ति। सुपौल के जो चार व्यक्ति हैं उनका नाम है नित्यानंद शर्मा, शशि आनंद राज, मोहन कुमार और गगन कुमार। मधेपुरा के दो व्यक्ति का नाम है विवेक कुमार तथा अमित कुमार। जो शराब बरामद हुआ है उसमें कुल 400 कार्टून है और 14076 बोतल है और कुल जो शराब बरामदगी की मात्रा है वो 3519.360 लीटर शराब की बरामदगी है और सभी का सभी विदेशी शराब है, जो कि अलग अलग कंपनीज का और अलग अलग मतलब उसके जो साइज है जो बॉटल्स का वो है। इस प्रकार से एक भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा एक शराब माफिया का पूरा जो गिरोह है उसको पकड़ा गया है। इसमें और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसको इस्टेब्लिश करके जो भी इस गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और खास करके अगले जो चुनाव तक इस अभियान को और सख्ती से चलाया जाएगा। इस कार्रवाई में जो भी आसूचना संकलन तथा छापेमारी दल में जो पुलिस पदाधिकारी और बल शामिल रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। ये अभी तक जो अनुसंधान में तथ्य आया है, ये बंगाल से शराब मंगवाई गई थी, ये जीरो माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर जो क्षेत्र है।
नवगछिया में सैकड़ों लोगों ने ग्रहण की जदयू की सदस्यता। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में नवगछिया नगर पंचायत के उजानी में गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल और जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर जदयू का हाथ थामा है। विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं। वहीं मौके पर मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि शाहजहां आलम और इसराफिल जदयू की क्रियाशील सदस्य बने और सैकड़ों लोगों ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। हम जगह पर आए और आप लोगों ने वोट देते गया, जो ही चल बन सका वोट देते गए, वोट बढ़ते गया, मेरा भी मेंबर बढ़ते गया, मन बढ़ते गया, अंत में आप लोग हमको जगह पर देखी, इसलिए क्रांतिकारी सलाम। एक बार मैं भाषण कर रहा था रविंद्र भवन में, मुख्यमंत्री सब बैठे हुए थे, यही स्टाइल था, क्रांतिकारी सलाम बोले, मुख्यमंत्री बुलाए हमको मंच पर, थे ही बुलाए बगल में, क्या गोपाल में आप कम्युनिस्ट। चक्का जाम को लेकर नवगछिया के 13 स्थानों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। बिहार राज्य ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 19 को बिहार में पूर्ण रूप से वापस करते हुए पुराना मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू करने एवं विभिन्न मांगों के समर्थन में 14 सितंबर से होने वाले चक्का जाम को लेकर अनुमंडल प्रशासन स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। NH 31 पर वाहनों का परिचालन प्रभावित न हो, इसको लेकर चौक चौराहा पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नवगछिया SDO अखिलेश कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के NH 31 पर कुल 13 स्थानों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। अनुमंडल पदाधिकारी ने दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में ससमय उपस्थित होकर NH पर आवागमन प्रभावित न हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ट्रक चालक NH के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर आवागमन प्रभावित न करें, कहीं भी अगर आवागमन प्रभावित किया जाता है तो इस संदर्भ में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 170 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 170 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 8500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 3 वाहन से 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। नवगछिया, करंट लगने से युवक की मौत, मृतक के परिजनों ने चिकित्सक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी मृतक रॉबिन कुमार की मौत करंट लगने से हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवत्र कुमार को दौड़ा दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर नवगछिया थाना के रंजन कुमार गुप्ता पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे। तब तक अस्पताल में चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले लोग वहां से फरार हो गए थे। जानकारी मिली है कि सिमरा गांव में घर की बिजली ठीक करने के क्रम में सिमरा निवासी रॉबिन कुमार मिश्रा 31 वर्षीय करंट लगने से झुलस गए, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। अनुमंडल अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर देवत्र कुमार ने उसकी जांच की तो तब तक रॉबिन की मौत हो चुकी थी। चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद चिकित्सक अस्पताल के पास आकर खड़े हो गए। इसी बीच 150 की संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबिन की मौत की खबर सुनते ही डॉक्टर देवत्र कुमार के साथ मारपीट करने लगे। चिकित्सकों को उन लोगों ने मृतक के साथ एक निजी अस्पताल ले गए। वहां भी जब उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद वे सभी लोग वहां से निकल गए। इस दौरान चिकित्सक के पैर व कमर और चेहरे पर चोट आई है। सूचना के बाद नवगछिया पुलिस अस्पताल पहुंची। इसके कुछ देर बाद रॉबिन के शव को लेकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां रॉबिन के परिजन ने चिकित्सक के साथ मारपीट के संदर्भ में लिखित रूप से माफी मांगी है। इसके बाद पुलिस ने रॉबिन का पंचनामा तैयार कर अस्पताल को सौंप दिया। सबका पोस्टमार्टम सोमवार को होगा। तो थोड़ा बताइएगा क्या घर में बिजली है ना? हाँ। घर में बिजली जो है तार था, नंगा था, क्या था नहीं था। हाँ। वही घर जो आ रहा था उस तार गिरा हुआ था, उसको छुआ गया उसके हाथ में, छुआया जो कोई था नहीं उस टाइम, बस जर से पकड़ाया। कुछ देर के बाद आदमी जब पहुंचा वहां पे तब तक में इसका जो है हालत सीरियस हो गया था। जब इस हॉस्पिटल लाने के क्रम में जब आए यहां पे डॉक्टर साहब के वजह से जो है उनके मन में हुआ कि डॉक्टर साहब देखने रहे, बच्चा सब हंगामा कर दिया कि क्यों नहीं देख रहे। बहुत देर तक जो है इसको जो है देखा नहीं गया इसका इस सिचुएशन के ई पे, तो बच्चा सब हंगामा करने लगा क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इस डॉक्टर साहब के मन में हुआ खत्म हो चुका है, तो बच्चा सबको लगा कि नहीं नब्ज इसका चल रहा है, इसी कारण थोड़ा सा बच्चा सब हंगामा किया।
लेकिन तब तक मैं डॉक्टर साहब बोला कि जो है खत्म हो चुका है, सोचे मायागंज ले जाएंगे, यही खत्म हो चुका था करंट लगने की वजह से। नब्ज उसका जो है ना लास्ट में जब देखा गया तो लगा कि नब्ज उनका टिमटिमा रहा है, इसलिए वोमिटिंग हुआ, जो है वोमिटिंग ना डॉक्टर साहब को चिल्लाने लगे, तो कुछ लोग दबाए उसके चेस्ट को तो लगा कि जैसे मतलब मुंह से उल्टी आ गया, हम लोग मन में उम्मीद हुआ कि कहीं जान बचा हुआ हो, तो डॉक्टर साहब को बुलाने गए, डॉक्टर साहब को बहुत आवाज लगाया गया, डॉक्टर साहब नहीं थे शायद इधर कैंपस में थे, इसी टाइम में जो लगने लगा है खाना खाने के बाद जाएंगे, तब तक में जो है तो मारपीट भी किए थे? नहीं नहीं कोई ऐसा बात नहीं, हम लोग थे भी नहीं उस टाइम, उसके बाद आए हम लोग थे नहीं वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार झा है, उर्फ बबलू झा कहता है। ठीक है, आपका नाम? बाद में आए दीपक कुमार मिश्रा। दीपक कुमार मिश्रा। आपका नाम? आलोक। आलोक हमारा काम हो गया, हम डिपार्चर है हमारा जी। तो मरीज को लेकर के आया, आया तो डेड बॉडी ही था, तो इसको रखवाया, हम चेक किए, हार्ट टूट सब गया था, पल्स कुछ नहीं था, तो उसके गार्जियन को हम बढ़िया से समझा दिए कि आपका मरीज अब आपके पास नहीं है, उसका डेथ हो चुका था, इलेक्ट्रिक शॉक में था तो चला ही जाता है उसको, तो फिर बोला क्या सुनिए भैया लोग आता है, तो फिर हम रुके रहे, उसका भाई लोग आया तो फिर उसको भी कन्विंस कर दिए, उसको बोले कि इलेक्ट्रिक शॉक है, ये भी आप कुछ यदि इंश्योरेंस वगैरह है तो फिर पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, यदि नहीं है तो फिर इसको आप घर ले जाइए, तो बोला कि सो हाँ है सो हम और लोग आ रहा है घर से बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना है, तो फिर तब तक हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर भी दिए थे, उसके बाद क्या हुआ सो आया चार पांच आदमी उधर से आया, फिर उसको भी समझा दिया, उन लोग भी सब समझ गया, सब बाहर बैठा हुआ था बातचीत कर रहा था, तो फिर एक आदमी उसे मिलने के लिए आया था, बाहर में हम वो मंदिर के पास उससे बात कर रहे थे, उसके बाद उधर से करीब 150 आदमी आया लगा आया, उसके बाद डॉक्टर कहाँ है, भीतर घुसा, हमको लगा पेशेंट देखने के लिए गया है, हम उसको देखे जाते, फिर जब भीतर से जब बाहर आया तो पेशेंट को लेते हुए बाहर आया, उसके बाद जाने लगा, तो हम उसको रोके क्या है, तो हम बोला कौन है, बोला कि उसी में से कोई बोला कि डॉक्टर है, तो बोला कि देख जिंदा छे, तुम उसको मरा हुआ कह रहे हो, हम कहे कि ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसको जिंदा कैसे कहेंगे, उसको फिर हमको चेक करवाया, उसको फिर हमको घसीट करके ले गया वहाँ क्या कहते हैं रोड पर, उसके बाद फैट उट से मरा, यहाँ पर हम गुजर गए, यहाँ पर पूरा किसी को क्या गया वहाँ, उसके बाद फिर हम घसीट के ले गया वहाँ डॉक्टर राय के पास भी फिर दिखवाया हमको, फिर वहाँ से उन लोग वहाँ से हमको हम वहाँ से भाग के चले आए हॉस्पिटल, फिर उन लोग उसको पेशेंट को लेकर के चला गया, फिर वहाँ से फिर अभी थोड़ा देर पहले फिर उसको लाया कि मैं उसका पोस्टमार्टम करूँ, अभी बाढ़ में ऐसे ही लोग आए अपना, उसके बाद फिर हम तो बोले कि हम तो तैयार करेंगे, तो फिर सारा लोग उधर से चलाया, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी आ गया, तो फिर वो माफीनामा लिख करके दिया है कि आइंदा इस तरह का नहीं होगा, उसने सब लिख करके दे दिया, तो जो भी हो मिलेगा ड्यूटी में इस तरह से करता है तो। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666, माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31, सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCOM BSc पॉलिटेक्निक BTEC BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर, अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा।
अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9390-43-67-170। कुर्सेला पुल के समीप अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में कटिहार जिले के कुर्सेला थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र एवं कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती कुर्सेला पुल के समीप पिछले शनिवार को अपराधियों और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ के बाद रविवार को कुर्सेला थाने में लगभग एक दर्जन अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में नवगछिया SDPO द्वारा रविवार को कुर्सेला थाना पहुंचकर कटिहार पुलिस से सामंजस्य कर आगे की रणनीति तैयार की गई है। मुठभेड़ में शामिल अपराधियों के धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम बनाकर नवगछिया एवं कटिहार जिले के सीमावर्ती दियारा इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं इस बाबत नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों जिलों की पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालपुर JEE के आवेदन पर बिजली चोरी का मामला दर्ज। तनीय विद्युत अभियंता गोपालपुर के लिखित आवेदन पर रही टोला डिमहा के भविष्य यादव व अर्जुन राम पर बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। गोपालपुर विधानसभा चुनाव को लेकर निरोधात्मक कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालपुर थाना क्षेत्र में अब तक 400 से अधिक लोगों पर चुनाव के दौरान शांति भंग करने की आशंका के कारण निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107 की कार्रवाई की गई है। उक्त जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने दी। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर हुई दुर्घटना। सड़क हादसे में ABBP के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व उनके मामा की गई जान। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता के आगे 14 नंबर सड़क पर शनिवार की देर रात हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की जान चली गई। मृतक में 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी विनोद पासवान और उनका भांजा ABBP सबौर कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सन्नी कुमार शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक विनोद पासवान भांजे सन्नी के साथ अपने संबंधी के त्रिवेणी पासवान के यहाँ छोटी पर्वता आए हुए थे। देर रात वे छोटी पर्वता से वापस अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। छोटी पर्वता से निकलने के बाद जैसे वह 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े किसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में सामने से धक्का मार दिया। अज्ञात वाहन के धक्के लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सर में गहरी चोट आने के कारण घटनास्थल पर ही दोनों की जान चली गई। वहीं देर रात दुर्घटना की सूचना मिलने पर इस्माइलपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने का आरोप। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के नवादा निवासी नंद किशोर मंडल की पुत्री ललिता कुमारी देवी ने दहेज नहीं देने पर मारपीट करने व प्रताड़ित करने का अपने पति सहित ससुराल वालों पर लगाया है। इस संदर्भ में उन्होंने नवगछिया महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ढोलबजा थाना क्षेत्र के मिल्की निवासी अपने पति अमित कुमार सहित परमानंद मंडल, शकुंतला देवी भोला मंडल एवं पन्ना लाल मंडल पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9390-43-67-170।
बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।